इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी जिफोन दो सौ टैबलेट एंटीबायोटिक से संबंधित है जिसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में असरदार है यानी कि जैसे न्यूमोनिया यूरिनरी ट्रैक्ट कान नेजल साइनस गले और कुछ यौन संचारित रोग जिफोन 200 टैबलेट को डॉक्टर या चिकित्साकर्मी के पर्यवेक्षण में दिया जाना चाहिए इस्तेमाल इसे अपने डॉक्टर की पर्ची में निर्धारित समय के अनुसार नियमित रूप से बराबर अंतराल पर लें रोज एक ही समय पर इस्तेमाल करने से आपको इसे लेना याद रहेगा डोज इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं लेकिन आपको अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए अनुसार इस एंटीबायोटिक का कोर्स हमेशा पूरा करना चाहिए जब तक आप पूरा न कर लें तब तक इसे लेना बंद न करें भले ही आपको बेहतर महसूस होने लगा हो अगर आप इसे समय से पहले लेना बंद करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं और इन्फेक्शन वापस आ सकता है या बिगड़ सकता है यह दवा फ्लू या सर्दी जैसे वायरल इन्फेक्शन के लिए काम नहीं करेगी जरूरत न होने पर भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से यह भविष्य में होने वाले संक्रमण के लिए कम प्रभावी हो सकता है इस दवा के सबसे आम साइड इफ़ेक्ट में मिचली आना पेट में दर्द अपच और डायरिया यानी कि दस्त शामिल हैं ये आमतौर पर हल्का होता है लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या नहीं जाते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं इसे लेने से पहले अगर आप किसी भी एंटीबायोटिक के लिए एलर्जिक हैं या आपको किडनी या लिवर से संबंधित कोई समस्या है तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए आपको अपनी हेल्थकेयर टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि क्योंकि इस दवा से उनका असर प्रभावित हो सकता है या वे इसके असर को प्रभावित कर सकती हैं डॉक्टर की सलाह अनुसार आमतौर पर इस दवा का इस्तेमाल गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान करना सुरक्षित माना जाता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफ़िकेशन को क्लिक करें धन्यवाद